close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये रोजी पिंकी मेकअप ट्यूटोरियल। और ये मेकअप ट्यूटोरियल मैंने अफोर्डेबल मेकअप से क्रिएट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है और उसके बाद मैं ले रही हूँ 7 कलर का प्राइमर। इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये लिया है लैक्मे का फाउंडेशन और इसे मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगा के और एक डेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ बॉन्जोर का कंसीलर और इसे मैं अपने अंडर आई को थोड़ा बहुत डार्क सर्कल है मेरी आईज में, मैं उसको हाइड करूँगी। और अपनी नोज़ की टिप पे लगाऊंगी सेंटर पे, फोरहेड पे, और इसे लगा के अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और ये काफ़ी क्रीमी कंसीलर है, उससे ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इन सबको सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ इनसाइड का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसमें जो स्पंज आता है उसकी हेल्प से ही मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी, ताकि मैंने जो भी कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से सारा कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैंने अप्लाई किया है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ ADS का बाम स्टोरी और इसमें से ये वाला कॉन्टोर शेड लेकर मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी। और इसमें मैंने जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज किया है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैं आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैं अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर करूंगी और जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करूंगी, ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा स्लिम दिखे। और अपनी नोज को कॉन्टोर करने के लिए मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश और इसकी हेल्प से मैं अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ मार्स का ब्लश पैलेट और उसमें से ये पिंकी ब्लश लेकर मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छा ब्लश पैलेट है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है और पिगमेंटेड भी काफ़ी है। सो ये पैलेट मुझे काफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मोडा की आईब्रो पेंसिल, ये शेड डार्क ब्राउन है। सो मैं इससे अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी और मेरी आईब्रो को मैंने स्पूली से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई करते जाऊँगी और साथ ही साथ मैं इसे ब्लेंड भी करते जाऊँगी। और ये मेरा ट्रांजिशन शेड होगा और इसे मैं जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे लगाती जाऊंगी और ब्लेंड भी करते जाऊंगी साथ में। और इसे मैं धीरे धीरे लगाऊंगी, ब्लेंड करते जाऊंगी। याद रखिएगा, आपको आई शेडो जो भी आप अप्लाई करें उसे अच्छे से ब्लेंड करें, ताकि वो अच्छे से ब्लेंडेड दिखे, पैचीनेस ना रहे। और उसके बाद मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ, इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ मैं कोई भी शिमरी आई शेडो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सारे मैट आई शेडोज यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगा लूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाएगा, और इसे अप्लाई करते जाऊँगी।
इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आई पे भी मेकअप कर आई पे भी आई शेडो लगाऊंगी। उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और सेम आई शेडो जो मैंने पिंक अपनी आई लिड पे अप्लाई किया है उसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना आई लैश कर्लर, इसकी हेल्प से मैं अपनी लैशेज को कर्ल करूंगी और इसे मैं अच्छे से अपनी लैशेज को कर्ल कर लूंगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, इसकी हेल्प से मैं अपनी लैशेज को कोट करूंगी ताकि जब मैं फॉल्स लैसेस अप्लाई करूं तो दोनों मर्ज हो जाएं, अलग अलग ना दिखाई दे। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे, अपर लैश लाइन पे, और मैंने फॉल्स लैसेस अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एडीएम के बाद स्टोरी में से ये हाइलाइटर शेड और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूंगी। और ये बहुत ही नेचुरल सटल हाइलाइटर है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है और ये नेचुरल ग्लो देता है। सो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। नोज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे, फोरहेड पे इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैं एक स्पंज ब्रश ले रही हूँ जो आई शेडो पैलेट में आता है, उसके हेल्प से मैं अपनी ब्रा बोन को हाईलाइट करूंगी। उसके बाद मैं सेम स्पंज एप्लीकेटर से मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी और ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक और इसमें शेड नहीं दिया हुआ है, सो मैं इसे अपने लिप पे अप्लाई कर लूँगी। ये पिंक शेड है और इसे अच्छे से मैं अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ फिक्सिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे इन कलर का और इसे मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पैट करके मैं अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कोई भी पाउडरीनेस ना रहे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया है तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।